अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी टीचर मिस जोया। आज मैं आपके साथ हूँ आपके फोर्थ लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि कल के जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर मैंने जो है वो आपको अल्फाज मायने और मुश्किल अल्फाज कराए थे। तो आज जो मैं जो आपको वर्क करवाऊंगी वो होगा आपका सवाल जवाब, वाहिद जमा एंड अल्फाज जुमले। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं अपने वर्क की तरफ। ठीक है, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 1। अच्छा जी, बुक में जो है वो कुछ सवाल थोड़े डिफरेंट है, तो उसका मैंने एक सवाल जो है वो थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, ईद उल अजहा किसे कहते हैं? जिस ईद पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है उसे ईद उल अजहा कहते हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1 का जवाब। हम ईद उल अजहा क्यों मनाते हैं? हम ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। ये हो गया आपका जवाब नंबर 2। उसके बाद है, ईद के मौके पर असल खुशी क्या है? ईद उल अजहा के मौके पर असल खुशी यही है कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों में बराबर तकसीम किया जाए। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके अल्फाज मायने। आप देख रहे, आपको मैंने कहा था अपने लास्ट लेक्चर में, अब मैंने आपको ये कहा था कि आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने अल्फाज मायने करने हैं, मुश्किल अल्फाज करने हैं, और उसके बाद फिर आप ये 3 सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर वाहिद जमा करेंगे और अल्फाज जुमले करेंगे। ठीक है, तो आप ये सवाल जवाब देख लीजिए, इसको आपने अपनी कॉपी में करना है, और इसके बाद जो है मैं आपको वाहिद जमा करवाऊंगी, अल्फाज जुमले वो भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे कि आपको मैंने अभी आपको सवाल जवाब करवा दिया, अब हम आते हैं हमारे अल्फाज जुमले और वाहिद जमा पर। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अल्फाज जुमले कर यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड पर, आपने यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में करना है। पहला है वादा, हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है कुर्बानी, कुर्बानी हम सब पर फर्ज है। इंतजार, मुझे ईद का इंतजार है। ख्वाब, मैंने कल बहुत अच्छा ख्वाब देखा। कसूर, अली बेकसूर था। ईद, हम ईद पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है बेटा, ये 6 जुमले हैं। ये जुमले आपके सवाल जवाब के बाद अपने नेक्स्ट पेज पे करने हैं। उसके बाद है वाहिद जमा, वाहिद जमा भी 4 हैं जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। वो है खुशी, जमा है खुशियां, वादा वादे, लम्हा लम्हे, शख्स अशखास। ठीक है बेटा, तो ये तमाम वर्क जो है वो आपने अपनी कॉपी में करना है। कल का और आज का तमाम काम आपने अपनी कॉपी में करना है, जिसमें आप सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद जो है वो आप सवाल जवाब, सॉरी, मुश्किल अल्फाज करेंगे, अल्फाज मायने करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद जुमले, और जुमलों के बाद आप वाहिद जमा करेंगे। ठीक है बेटा, आप ये तमाम जो काम है वो आपको सही से समझ आ गया होगा, मुझे यकीन है। और उसके साथ साथ बेटा आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे कुछ जरूरी कुछ बातें करनी है, वो बात ये है बेटा कि हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड हो गई हैं आपके स्कूल के पेज पे, जो कि स्कूल के पेज पे जो भी वीडियोस अपलोड हो गई हैं बेटा, वो दोबारा अपलोड नहीं होंगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, और मेरी पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि बच्चों को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप काइंडली बच्चों को बार बार हमारा लेक्चर सुनाएं, और हमने जो 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 भी हम काम करवा रहे हैं वो बच्चों को बार बार वो काम दिखाएं, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपको समझ गया वो बात हमसे ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, आपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर मैंशन करना है, जिसके आपके 5 पॉइंट्स मिलेंगे, सॉरी 5 मार्क्स मिलेंगे, और वो 5 मार्क्स जो है वो आपके पेपर में हाफ एंडी में इंक्लूड होंगे। और इसके अलावा एक और बात ये मुझे ये करनी थी बेटा कि आप लोगों के पेपर्स जो भी हो, पेपर जो होने वाले हैं, वो आपके जो पेपर होंगे वो आपका जो आपको ये तो पता है कि आपने ऑनलाइन पेपर देना है। ठीक है, और आपके जो पेपर होंगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेपर के तो पेपर होंगे आपके, जिसका पासवर्ड जो है वो आपको एडमिन से मिलेगा। यानी आपके पेरेंट्स को स्कूल आना है, और स्कूल आकर आपके पेरेंट्स को एडमिन से जो है वो पासवर्ड लेना है। उसके अलावा जो है 5 दिसंबर
दिसंबर को आपकी कॉपीज चेकिंग है, आपने 5 दिसंबर जो है 5 दिसंबर की जो डेट है उसमें आपने जितना भी काम किया है, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी आपका काम हो, आपने तमाम कॉपियां 5 दिसंबर को स्कूल में ला के वो सबमिट करवानी है, ठीक है बेटा। इसके अलावा वो बच्चे जिनका अभी तक गूगल पे कोई गूगल की आईडी नहीं है जिन बच्चों की, तो उन बच्चों ने स्कूल आकर एडमिन से अपनी गूगल की आईडी लेनी है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी, पेरेंट्स को भी मेरी बात जरूर, पेरेंट्स भी मेरी बात समझ गए होंगे। बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।